मॉडिफिकेशन वाला व्लॉग होने वाला है, डिटेलिंग और सिरेमिक कोटिंग करवाने बूसा पे। भाई का नाम ले लो, आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे। मोबाइल माउंट के चक्कर में आज टीवी भी खाने आ गए हम हयाबूसा पे। अजीब वो गरीब पे विक्रांत भाई, ये पहली बूसा रहेगी ना, टीवी लगाएंगे। और कारप्ले से कनेक्ट किया तो ये इतना क्विक पेयरिंग है भाई। हॉट टाइम से एक प्रोडक्ट का मैं इंतजार कर रहा था। ये अपना रेडिएटर गार्ड, ऑयल गार्ड, ये अपने उमेश भाई, इनके पास हमेशा कोई भी बड़ी ट्रिप होती है तो मंगल करने आता हूँ मैं हमेशा। और एक चीज, लद्दाख के लिए बहुत कम दिन रह गए। Okay guys, so good morning, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। भाई लोग, आज का व्लॉग मॉडिफिकेशन वाला व्लॉग होने वाला है और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है, जिनके 3 हैं टोटल अगर देखा जाए तो। एक तो अपने को इस गाड़ी पे सिरेमिक कोटिंग करानी है भाई, दूसरा अपने को इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना है, और तीसरा जो होने वाला है इसका रेडिएटर गार्ड, ऑयल गार्ड, जो कि मैंने ऑर्डर करके रखा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे एक जान पहचान के शॉप में अपना सिरेमिक कोटिंग कराने के लिए, तो आप लोगों को वहीं मिलता हूँ सीधा। ज़्यादा लंबा रखते नहीं है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल इंट्रो रखते हैं, और वीडियो भी आई होप शॉर्ट एंड सिंपल ही हो। अगर लंबा हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी लद्दाख के दिन नज़दीक आ रहे हैं और प्रिपरेशन एकदम चरण पे चल रही है। तो बस आप लोगों को बताता हूँ जैसा है जैसा नहीं, वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से नज़दीक ही है, और वहाँ मिलता हूँ सीधा। तो भाई लोग, जैसा कि बोला था कि आ गए डिटेलिंग और सिरेमिक कोटिंग करवाने बूसा पे। सीने से गाड़ी धुल तो ऑलमोस्ट चुकी है, वो खड़ी भाई। अभी इसका अपना सिरेमिक कोटिंग होने वाला है, मिलाता हूँ सब, पहले प्रोसेस दिखाऊंगा फिर मिलाऊंगा, ठीक है? तो बस एंजॉय द प्रोसेस। क्या होता है क्या नहीं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अपन ने जो है अपनी 4 व्हीलर पे पीपीएस करवाया था, सिरेमिक में पहली बार कराने जा रहा हूँ। तो पहले खुद देख लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन होता है। आपने जो अभी रबिंग होते हुए देखा है, सिर्फ 2 बार हुआ है पूरी गाड़ी पे, और शाइन देखो भाई। मैं सोच रहा हूँ सिरेमिक के बाद कौन सी शाइन आने वाली है भाई इस गाड़ी पे, क्या शाइन कर रही है भाई गाड़ी। मतलब ये सब भी मॉडिफिकेशन में ही आता है भाई, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई गाड़ी का पेंट प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीएफ मैंने कराया नहीं, क्योंकि यार ये कलर पे पीपीएफ थोड़ा सा मतलब समझ सा नहीं आ रहा था, पर सिरेमिक तगड़ा लगेगा। अभी इसका कोट लगेगा तब भी दिखाऊंगा, बट ये तो सिर्फ रबिंग का रिजल्ट है। भाई लोग, ठीक 12 घंटे बाद गाड़ी अपनी कुछ ऐसी चमक रही है भाई। सिरेमिक कोटिंग किया है, और सिर्फ इस गाड़ी को नहीं, इस हेलमेट को भी कर दिया भाई। इसका चमक तो देखो मेरी भाई, अलग ही भाई। मतलब हेलमेट और ये सब कर लिया। और अपने जो पीयूष भाई है, द ओनर ऑफ कार आर्ट, इन्होंने अपने को सजेस्ट किया। ये एक्चुअली मैं इनकी थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ। तीन ऐसा है, ये और मैं हिमालयन जब ली थी मैंने, साथ में राइड करते थे, मतलब 4-5 साल पहले की बात है ये। एग्जैक्टली 4-5। बहुत हमने संडे राइड्स की है। अब भाई बिजनेसमैन बन गए और हमने ये ले ली। तो भाई बताएंगे क्या किया भाई, एकदम थोड़ा डिटेल बता दो भाई। हमने इस पे किया है 10H सिरेमिक टर्टल वैक्स का, वो 3 इयर्स की वारंटी रहता है। उसमें आपकी जो पेंट है उसको प्रोटेक्टेड रखेगा, कोई भी बर्ड ड्रॉपिंग्स वगैरह जैसी चीजों पे इस पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। जो आपका पेंट है उस पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा हमारे पास ये ग्राफीन कोटिंग पीपीएफ, टर्टल वैक्स का पीपीएफ नया आया है, वो भी अवेलेबल है। घरवारे का भी पीपीएफ अवेलेबल है, देन सेंट गोबेन का भी पीपीएफ अवेलेबल है, विच गेट्स अ वारंटी ऑफ 10 इयर्स, एंड लुमार का प्लैटिनम पीपीएफ, वैलोर पीपीएफ, ये सब अपने पास अवेलेबल है। किसी को भी चाहिए, भाई से नंबर ले लो, भाई से एड्रेस पूछ लो, नंबर यहाँ आ रहा है सामने। और रावेत में एसबी पाटिल स्कूल के पास कभी भी आ जाओ, कोई इश्यू नहीं, आपको सबसे बेस्ट प्राइस देंगे। भाई का नाम ले लो, आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे। तो बस यही है, गाड़ी शाइन हो गई है प्रॉपर। कुछ भी मतलब हुआ तो भाई कोड भी मार के दे देंगे, कोई दिक्कत। देखो भाई, अपना तो भाई वाला रिश्ता है, और तुम लोग को भी अगर भाई वाला रिश्ता चाहिए तो विजिट कर लेना कार आर्ट को। रावेत में ये पुणे के अराउंड हो तुम लोग। देखो भाई, बाकी सब बहुत ब्रांड है 3M करने वाले, बट ये अपना है, थोड़ा सा समझ लेना बात, ठीक है? भाई, भाई अपने भाई, बस डन सीन है, ठीक है? अभी निकलते फटक से। और अभी ये भी करा लिया है, तो इस पे गोप्रो ओप्रो सेट नहीं है, तो अगला कोई मॉडिफिकेशन कराते हैं, सीधा वहीं मिलूंगा। बहुत सारे मॉडिफिकेशन इनकमिंग है, ये ब्लॉग बहुत लंबा जाना है, देखते रहिए, मजे लेते रहिए जिंदगी के। तो भाई लोग, मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज। वी आर इन मुंबई। ये गाड़ी देख सकते हो, श्रीमान भाई की गाड़ी है। हम लोग आए भाई राइडर एंड राइडर में, और मुद्दा ऐसा है कि अभी मोटे खर्चे हुए। मैंने आप लोगों को बोला था मोबाइल माउंट बिठाना है, और मोबाइल माउंट के चक्कर में आज टीवी बिठाने आ गए हम हायाबुसा पे। अभी ना, अभी सिस्टम किधर है वो, ये देखो, ये अपना एलईडी का इधर है। अभी बैठेगा, ये अभी मत दिखाओ, ये मेन यूनिट है। और मेरा मोबाइल माउंट यहाँ बैठने वाला था फोर्क स्टेम माउंट पे, पर अभी सीन ऐसा है, फोर्क स्टेम माउंट तो लग रहा है बराबर, पर अभी इधर टीवी दिखेगा आप लोगों को। ये तो दिखेगा ही, पर टीवी भी दिखेगा। अभी धीरे धीरे आप लोगों को प्रोसेस समझाता हूँ। अभी पूरा ये देखो खुली है, नंगा कर दिया भूसा को। ये वायरिंग होएगा यहाँ से प्रॉपर एकदम, बैटरी पे लगेगा, वो यूनिट लगने दो, सब धीरे धीरे समझाता हूँ। पूरा दिन होने आया, सुबह 10 बजे से लेके अभी 10 बजे 12 घंटे हुए, और विक्रांत भाई का ब्लॉग अभी चालू है। अजीब वो गरीब हुए विक्रांत भाई। तो विक्रांत भाई का डिस्प्ले लग गया है, उनका माउंट आ रहा है, वैसे हाथ पे पकड़ना पड़ रहा है। माउंट आने की देरी है। कैसा है, कैसा लग रहा है? जबरदस्त। मतलब ये जो फीलिंग है ना, मैं सोचा नहीं था कभी भूसा पे मैं टीवी लगा के घूमने वाला हूँ, पर आज ये पहली भूसा रहेगी ना टीवी लगाए, पहली भूसा है ये, मान लो। तो भाई लोग, बहुत टाइम से एक प्रोडक्ट का मैं इंतजार कर रहा था, जिसकी वजह से ये वाला जो वीडियो है ये रुका पड़ा था। ये है भाई आरएनजी के रेडिएटर गार्ड और ऑयल गार्ड फॉर आर सुजुकी हायाबुसा। ये इंपोर्ट होते हैं, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग गया भाई। तो इसकी अनरैपिंग, अनबॉक्सिंग बोलो, ये कर लेते हैं फटाक से। ये फिट खुद तो नहीं करूंगा, जाएंगे अपन, वो भी आपको दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में। बाकी मुझे पता है अचानक से ये वाला क्लिप आ गया, मैं आपको वो जो TFT अपन ने बिठाया इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके बारे में भी बताऊंगा नीचे जाके, उससे मोटो ब्लॉग पे बात करेंगे। पहले इसको खोल लेते हैं, मैं ज्यादा वीडियो लंबा बनाना ही नहीं चाहता, तो फटाक से इसको खोल लेते हैं। अनबॉक्स, अनरैप हो चुका है, जो भी आप बोलो। ये है अपना रेडिएटर गार्ड और ये है अपना ऑयल कूलर गार्ड। अब रेडिएटर को बचाएगा और ये ऑयल कूलर को, इतना मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता होगा, बट मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा भाई। आरएनजी का इंपोर्ट हुआ हुआ है, ब्रांडेड चीज है और मजबूत है, मतलब बचा लेगा। इम्पैक्ट है, छोटे मोटे इम्पैक्ट से तो बचा लेगा, बड़े का तो भाई भगवान भरोसे होता है आजकल सीन। और ये कुछ आया हुआ है इसके साथ स्पंज और जिपटाइज है कुछ, ये इसका यूजर मैनुअल टाइप कुछ आया है। इसका अपने को कुछ काम नहीं है, जहां अपन फिट करने जा रही है भाई उनको दिखाएंगे। और ये आरएनजी का ब्रांडिंग स्टिकर्स आए हुए हैं। तो अभी मैं सीधा आप लोगों को मिलता हूँ गोप्रो के सेटअप पे, चलते हैं, फिटिंग करते हैं और आप लोगों को वहीं मिलते हैं। तो भाई लोग, ये अपना डिवाइस भाई, इसमें अपन बहुत कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ पेयरिंग है भाई, वॉल्यूम, इतना स्मूथ टच है ना इसका, क्या बताओ। ये देखो ब्राइटनेस का भी हो जाता है, एकदम कम किया, ये ज़्यादा किया, और कारप्ले से कनेक्ट किया तो ये इतना क्विक पेयरिंग है भाई। ये अपना गूगल मैप हो गया, तो ये चीज़ इसीलिए लगाई गई है, ये आपको दिखाना था। बाकी चलते हैं, अभी अपना रेडिएटर गार्ड, ऑयल गार्ड फिट करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन बनता है और क्या नहीं। भाई लोग, जैसा कि आप लोगों को बोला था कि आने वाले अपन रेडिएटर गार्ड फिटिंग के लिए। भैया हाय बोल दो एक बार वीडियो में, बस। ये भैया अपने बिठा रहे भाई, अपन आए भाई बाइक क्लिनिक, ये रावेत में ही है, ये इनका पूरा सिस्टम है। और ये लोग स्पेशली मेरी गाड़ी का काम कर रहे हैं, सुपर बाइक का काम होता है, बट ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, इतना जल्दी ऑन शॉर्ट नोट, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ ना भाई, एक बार पार्ट आया तो मुझे चुल मचती है लगाने की उसको। अभी भैया ने जो है ये 3 चीजें निकाली है इधर से, और ये है भाई अपना रेडिएटर, और उधर अपना ऑयल का, ये अपना रेडिएटर गार्ड, ऑयल गार्ड। ये भैया ने इधर से कुछ तो निकाला, इधर कहीं से। ये क्यों निकाला, इधर स्पेस होना अपने को लगाने के लिए। ये देखो, ये नंगा कर दिया इधर से, जिससे कि हाथ भी घुसे और एकदम मस्त लग जाए सिस्टम। ये निकला है वहां से फाइबर पार्ट। बाप रे, भूसा को खोल के रख दिया भाई, जब सर्विस की थी तब पूरा खोला। अब ये लगाने के लिए हर बार भूसा खुलती है, क्योंकि यार देखो ना, पूरा फेयरिंग वाली बाइक है। और एक बात भाई, ये ग्राफिक्स का भी आप लोगों को बताता हूँ। ग्राफिक्स भी करा दिए अपन ने लद्दाख 2024 के, और ये पहाड़ वाले मैं पहली बार मेरे वीडियो में रिवील कर रहा हूँ। पीछे भी एक रेड स्ट्रिप की है और इस तरफ भी जो है पहाड़ है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे लग रहे हैं ग्राफिक्स। मेरा कोई प्लान नहीं था ग्राफिक्स यहाँ दिखाने का आप लोगों को, बट चलो दिखा दिया, अब दिख गया तो देख लो भाई। और बाकी जो सिनेमेटिक्स वगैरह है वो आपको, जो Day 1 ऑफ अपना लद्दाख सीरीज ट्रिप होने वाला है, वो सब दिखाऊंगा। अभी सिर्फ झलक है, झलक के मतलब पूरा दिखा दिया, बट एकदम राइड वाइड करते हुए कैसी लग रही है भाई वो तब बताऊंगा। अभी भैया एक एक पार्ट खोले तो जा रहे हैं। अभी नीचे का भी खोल दिया, शायद नीचे का खोल दिया ना, अब खोल दिया, अब लग जाएगा सिस्टम फटाक से। तो भाई लोग अपना काम हो गया फाइनली। बूसा पे रेडिएटर गार्ड आरएनजी के लग गए भाई। अभी दिखाऊं कैसे, आप लोगों को नहीं समझ रहे भाई, ये अंदर है सिस्टम पूरा। आई होप थोड़ा सा बहुत सिनेमैटिक में दिखा दिया हो मैंने। बाकी ये अपना बाइक क्लिनिक है भाई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ आए थे। इनके पास राइडिंग गियर्स भी है, सारे प्रकार के टायर्स भी है। ये अपने उमेश भाई, इनके पास हमेशा कोई भी बड़ी ट्रिप होती है तो मंगल करने आता हूँ मैं हमेशा। ये भाई ने बहुत मदद किया भाई, कुछ भी हो जाए, गाड़ी में कुछ भी हो, मतलब लास्ट में इधर ही आती है अपनी गाड़ी। टायर वायर सब मैं इधर से ही बदलता था हिमालयन के, तो रूट्स कभी भूलने नहीं चाहिए। और इसके बाद मेरा गोप्रो बंद हो गया। अब क्या करे भाई, गोप्रो का ऐसे इशू हो रहे हैं धूप में। बट चलो, आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत सारे पार्ट्स में बनाया, क्योंकि यार ये पूरा एक महीने में जितने भी मॉडिफिकेशंस करवाए मैंने बाइक पे, एक्सेप्ट द सर्विस, वो सब आप लोगों को दिखा दिया है। और एक चीज, लद्दाख के लिए बहुत कम दिन रह गए, तो आई होप आप लोग वो वाली सीरीज भी ऐसा ही सपोर्ट करो। जो भी नए लोग जुड़े भाई श्रीमान फैमिली से, और बाकी भी जो जनरली जुड़े हैं, सबको भाई वेलकम है। 12,000 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं, 10,000 का तो उतरेगा लद्दाख में। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस ट्रिप को लेके। आई होप आप लोग भी वही पॉजिटिविटी हम सब जितने भी लोग जा रहे हैं उन सब पे दिखाओ। डेट नहीं बता सकता, जो लोग मुझे डीएम करते भाई डेट नहीं बता सकता, बट एक चीज जरूर कर सकता हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। जिस दिन निकलूंगा उस दिन स्टोरी डाल दूंगा, इतना आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर देना। दिस इज विक्रांत सक्सेना साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राइट आउट, राइट सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।